प्राची के माता पिता गरीब मजदूर थे। वो दोनों ईंटें ढोने का काम करते थे, इसलिए घर में पैसों की बहुत दिक्कत थी। कभी दाल सब्जी हुई तो बना ली, नहीं तो नमक से रोटी खाकर ही पेट भर लेते थे। एक दिन प्राची अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। उसकी सहेली कोमल उससे बोली, प्राची कल हम सब सहेलियां गांव के बाहर लगा मेला देखने जा रही हैं। तू भी हमारे साथ चल मेला देखने, पर मुझे पहले माँ बापू से पूछना पड़ेगा। ठीक है, शाम तक पूछकर बता देना, वरना हम सब चले जाएंगे। प्राची घर जाती है और मेले में जाने की बात करती है। माँ कल कोमल और मेरी बाकी सहेलियां गांव के बाहर मेला देखने जा रही हैं, मुझे भी उनके साथ जाना है। प्राची तुझे तो पता है आजकल तेरे बापू और मुझे मजदूरी का काम नहीं मिल पा रहा है, और जो थोड़ा बहुत काम मिलता है उसमें बहुत कम पैसे मिल पाते हैं। मेले में जाने के लिए तुझे कम से कम 50 रुपए की तो जरूरत पड़ेगी ना। माँ मैं वहाँ से कुछ भी नहीं खरीदूंगी, बस ऐसे ही घूम कर लौट आऊंगी। मालती अगर प्राची जाना चाहती है तो उसे जाने दे, हमारी बच्ची वैसे भी हमारे साथ कहीं घूमने नहीं जाती है। प्राची तू कल मेले में घूम आना। सच पापू? आप बहुत अच्छे हो। ये ले तू ये 20 रुपए रख ले और अपने लिए वहाँ से कुछ खरीद लेना। प्राची को 20 रुपए देते हुए उसके पिता और माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज वो पैसे पैसे को मोहताज थे, पर फिर भी अपनी बेटी के चेहरे पर आई मुस्कान देखकर उनकी आंखें भर आती हैं। अगले दिन प्राची कोमल और अपनी बाकी सहेलियों के साथ मेला घूमने जाती है। माला पूजा प्राची ये देखो, मेला घूमने के लिए माँ ने मुझे 200 रुपए दिए। मेरी माँ ने भी मुझे 200 ही दिए। और तुम्हें पूजा प्राची? 150 रुपए लाई हूँ। वो मैं 20 20 रुपए बस, इतने में तो एक छोटी सी गुड़िया भी नहीं आ पाएगी। पूजा माला चलो सामने कठपुतली का खेल देखते हैं, 20 रुपए की टिकट है। तुम तीनों देख लो, तब तक मैं पानी पीकर आती हूँ। प्राची जानती थी उसके पास कम रुपए हैं, इसलिए वो ऐसे ही मेले में घूमती रही। पापू ने बड़ी मुश्किल से ये रुपए मुझे दिए थे, मैं इन रुपयों से घर के लिए कुछ खरीद लेती हूँ। पर यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसा क्या हुआ प्राची? तूने तो ना ही कुछ खाया और ना ही कुछ खरीदा। हम देख कितना कुछ खरीद लाए, इतनी सारी खिलौने चूड़ियाँ, पर तेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। अब चल बहुत देर हो रही है, हम सब घर वापस चलते हैं। प्राची सब सहेलियों के साथ घर वापस आने लगती है, तभी उसकी नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है। फूल गोभी ले लो बेटी, आज सुबह से एक भी फूल गोभी नहीं बिकी, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अगर मैं फूल गोभी खरीद कर ले जाती हूँ तो माँ बहुत खुश होंगी, रात को हम इसकी सब्जी बनाकर रोटी के साथ खा सकेंगे। वैसे भी बापू के पास इतने पैसे नहीं होते कि हम रोजाना ताजी सब्जी बनाकर खा सके। क्या सोच रही है प्राची, जल्दी चल घर जाने में देर हो गई तो माँ डांट लगाएंगी। अम्मा मेरे पास ये 20 रुपए हैं, आप इनका मुझे गोभी का फूल दे सकते हो? हाँ बेटा लो, ये गोभी का फूल 20 रुपए का है। मुझे तेरे ऊपर तो हंसी आती है प्राची, तू मेला घूमने आई है और क्या खरीद कर ले जा रही है, गोभी का फूल। सब सहेलियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। प्राची गोभी का फूल खरीद कर घर आ जाती है। प्राची बेटा वो रुपए तो तेरे बाबूजी ने तुझे मेला घूमने के लिए दिए थे, और तूने उन रुपयों से कुछ भी नहीं खाया, ना ही अपने लिए कुछ खरीदा। मेरी बच्ची वहाँ भी तुझे घर का ही ख्याल आया। मालती हमारी प्राची सचमुच बहुत समझदार हो गई है। चल अब तो बैठ, मैं गरम गरम इस फूल गोभी की सब्जी बनाती हूँ, फिर हम तीनों मिलकर खाना खाएंगे। मालती सब्जी बनाने के लिए गोभी काटने बैठती है। गोभी देखने में बहुत बढ़िया और ताजी है, काश एक गोभी का फूल और होता तो ज्यादा सब्जी बन जाती। मालती देखती है वहाँ एक गोभी के फूल की जगह 2 गोभी के फूल हो जाते हैं। ये क्या जादू है, ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर तो एक ही गोभी थी, पर अब 2 फूल कैसे हो गए? एक बार 4 फूल बोलकर देखूं। गोभी के 4 फूल मेरे सामने आ जाए। मालती के सामने गोभी के 4 फूल आ जाते हैं। वो हैरान हो जाती है और वो प्राची और उसके बापू को आवाज लगाती है। माँ ये तो सचमुच जादुई फूल गोभी है। हम जितने भी गोभी के फूल बोएंगे हमारे सामने उतने ही गोभी के फूल आ जाएंगे। अभी गोभी के फूल में से एक अप्सरा उत्पन्न होती है। घबराओ नहीं, मैं एक अप्सरा हूँ, मैं धरती लोक से गुजर रही थी। मैंने इस प्यारी सी बच्ची को देखा कि किस तरह से ये किसी गरीब की मदद कर रही थी। मेरे से रहा नहीं गया और मैं इस फूल गोभी में वास कर गई और प्राची के साथ यहाँ तक आ गई। मैंने तुम सबकी बातें सुनी और मेरा मन दुख से भर गया। जो दूसरों की मदद करता है वो मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है। अब तुम सबको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ये जादुई फूल गोभी देकर जा रही हूँ। अब इसकी सहायता से तुम जितनी चाहो उतनी गोभी बाजार में बेच सकते हो।
अब तुम्हारे दुख के दिन दूर हो जाएंगे। लेकिन मेरी बात को हमेशा याद रखना, कभी भी अपने मन में लालच मत पनपने देना। इतना कहकर वो अप्सरा वहां से गायब हो जाती है। प्राची के माता पिता प्राची को गले लगा लेते हैं। आज उसी की वजह से उनके गरीबी के दिन दूर हो गए थे। अब तो प्राची के माँ बापू शहर की मंडी में फूलगोभी के बड़े व्यापारी बन जाते हैं और अब उनके पास धन दौलत बड़ा मकान सब कुछ था। भरतपुर गांव में प्राची नाम की एक बहुत प्यारी बच्ची अपने माता पिता के साथ रहती थी। प्राची के पिता महेंद्र को जुए और शराब की लत थी। हर वक्त जुआ खेलना और शराब पीकर अपने दोस्त हरीश के साथ आवारा गर्दी करना, यही उसका काम था। प्राची की माँ पूनम के पास एक पुरानी सिलाई मशीन थी, जिस पर गांव की औरतों के कुछ कपड़े सिलकर वो परिवार का गुजारा कर रही थी। पूनम, ये तुम्हारे 20 रुपए, लाओ। कुर्ता ठीक कर दिया? जी, मैंने बिल्कुल नाप का ही सिला है। सरला दीदी, मैं कह रही थी अब धागे की रील भी 10 रुपए से 20 रुपए तक की मिलती है। सूट के 50 रुपए सिलाई दे देते। देख पूनम, गांव में और भी दर्जी हैं जो तेरे से भी अच्छी सिलाई करते हैं। अगर 50 रुपए सिलवाना हो तो मैं उनसे ही ना सिलवा लूं। वो तो तेरे पर तरस खाकर कि चल तेरे थोड़े बहुत पैसे बन जाएंगे अपने कपड़े सिलने दे देती हूँ, पर मैं 20 रुपए से 1 रुपया फालतू नहीं दूंगी। हाँ, पूनम की मजबूरी थी कि उसे कम पैसों में ही सिलाई करनी पड़ती थी। गांव की औरतें उसे 20 या 30 रुपए से ऊपर नहीं देती थी, पर पूनम के पास जो भी पैसे जुड़ते सारे पैसे महेंद्र छीनकर जुए और शराब के लिए ले जाता था। ऐसे ही एक दिन, सुनो जी, ये पैसे मैंने प्राची के स्कूल की किताबों के लिए जोड़े हुए हैं। उसकी 4थी कक्षा की एक किताब बाजार से खरीदनी है। अरे उस लड़की को पढ़ा लिखा कर क्या करेगी, ये पैसे मुझे दे दे। माँ, अब मेरी स्कूल की किताबें कैसे आएंगी? बापू तो सारे पैसे लेकर चले गए। अगर मैं स्कूल किताब लेकर नहीं गई तो टीचर मुझे बहुत डांटेंगी। प्राची बेटा, एक काम कर, तू कल स्कूल चली जाना, फिर मैं परसों तक कुछ पैसे जोड़कर तेरे लिए किताब जरूर खरीद लाऊंगी। अगले दिन प्राची स्कूल जाने के लिए घर से निकलती है, पर वो डर रही थी कि कहीं उसकी टीचर किताब ना लाने पर उसको सजा ना दे दे। इसलिए प्राची स्कूल ना जाकर वहीं पास में एक नदी किनारे बैठ जाती है और रोने लगती है। हमारे पास पैसे क्यों नहीं है? हम किताब क्यों नहीं खरीद सकते? भगवान जी, आप तो सबकी मदद करते हो, मेरी भी मदद करो ना। मुझे स्कूल जाना है, पढ़ना है, मुझे खूब पैसे कमाने हैं, पर अगर हम गरीब ही रहे तो मैं पढ़ाई कैसे करूंगी, कैसे अपनी माँ के सपने पूरे करूंगी। प्राची अभी रो ही रही थी कि अचानक से नदी किनारे पर बने एक पेड़ से उसे चिड़िया की चूं चूं की आवाज आती। अरे, इस चिड़िया को पिंजरे में किसने बंद किया? मैं पिंजरे को घर ले जाती हूँ। तुम्हें भूख लगी है? चलो, मैं तुम्हें घर जाकर दाना पानी दूंगी। प्राची बेटा, क्या हुआ, आज तुम स्कूल नहीं गई? और ये पिंजरे में चिड़िया कैसी, ये तुम्हें कहाँ मिला? माँ, मैं स्कूल जाने से डर रही थी, मुझे लगा अगर मैं किताब लेकर स्कूल नहीं गई तो टीचर मुझे सजा देंगी, इसलिए मैं नदी किनारे बैठ गई। तभी वहां पर एक पेड़ की डाली पर मुझे ये पिंजरा मिला। देखो ना माँ, ये चिड़िया कितनी भूखी है और प्यासी भी, मैं इसे दाना और पानी दे देती हूँ। ना जाने इसे पिंजरे में किसने बंद कर दिया। माँ, ये चिड़िया कितनी प्यारी है ना, देखो दाना पानी मिलने के बाद कितनी खुश है। हम इसका नाम चुनमुन रखेंगे। माँ, आप मेरी किताब कब लाओगे? मुझे बिना किताब के स्कूल नहीं जाना। प्राची बेटा, तू चिंता मत कर, मैं आज पूरी रात बैठकर कपड़े सिलूंगी ताकि सुबह उनकी सिलाई के पैसों से तुम्हारी किताब ला सकूं। प्राची चिड़िया के पिंजरे को साथ लिए सो जाती है। पहले एक मुसीबत कम थी जो ये एक और मुसीबत ले आई। सुनो जी, ये चिड़िया का पिंजरा घर से बाहर मत फेंको। प्राची इसके बिना उदास हो जाएगी, वो बहुत रोएगी। रहने दो जी, इस बेजान को तकलीफ मत दो। महेंद्र जैसे ही पिंजरा उठाने लगता है नशे में जमीन पर लुढ़क जाता है और वहीं सो जाता है। चिड़िया रानी, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? मुझे डर है कहीं प्राची के बापू सुबह उठकर तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचाए, इसलिए मैं तुम्हारा पिंजरा खोल रही हूँ। तुम आसमान में उड़कर अपनी जान बचाओ। जाओ चिड़िया रानी, तुम आजाद हो। चिड़िया का पिंजरा खोलकर पूनम रोने लगती है। चिड़िया खिड़की पर बैठ जाती है। रोते रोते पूनम की आंख लग जाती है। अगली सुबह जब प्राची सोकर उठती है तब पूनम उसे रात की सारी घटना बताती है। माँ, आपने बिल्कुल सही किया, चुनमुन अब आसमान में आजादी से घूम रही होगी। मेरी प्यारी दोस्त, तुम जहाँ कहीं भी हो खुश रहना। उधर चिड़िया उड़ती हुई एक आश्रम में पहुँचती है और वहाँ समाधि में लीन एक महात्मा के पास जाती है। कावेरी, आ गई तुम? जी महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो बताओ, इस बार तुमने मेरे द्वारा दिए गए
जादुई मंत्रों से किस दयालु और परोपकारी मनुष्य की सहायता की। महाराज, एक बहुत ही प्यारी बच्ची मुझे अपने साथ घर ले गई। अच्छा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। तुम मेरी दी हुई परीक्षा में सफल हुई हो। तुम्हारे कारण ही अब एक माँ और उसकी बेटी को परोपकार का फल मिलने में देर नहीं लगेगी। महाराज, जो मनुष्य दयालु स्वभाव के होते हैं और संकट में फंसे लोगों की सहायता करते हैं, सदैव ईश्वर भी उनकी सहायता करते हैं। उधर पूनम परेशान थी कि अभी तक एक भी कपड़ा नहीं सिला था। प्राची, आज स्कूल से छुट्टी ले ले, मैं दोपहर तक कपड़े तैयार कर दूंगी, फिर शाम को तू नई किताब खरीद लेना। ठीक है माँ, तुम कपड़े सिलो, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों की चाय बनाऊंगी। मेरी बच्ची, मेरी लाडो, अच्छा बना ले। पहले सुनीता बहन का ब्लाउज सिलना जरूरी है, कटा हुआ है, सिल लेती हूँ। पूनम जैसे ही कपड़े के कटे टुकड़े को सिलाई मशीन पर लगाती है, मशीन अपने आप चलनी शुरू हो जाती है और एक सुंदर सा ब्लाउज तैयार हो जाता है। ये कैसा चमत्कार है, मेरी सिलाई मशीन अपने आप चलने लगी और ब्लाउज बनकर तैयार हो गया। कुछ और कपड़ा, हाँ ये सलवार का कपड़ा काट कर सिलती हूँ। अरे ये क्या, मशीन फिर से चलने लगी, मशीन ने सलवार भी सिल दी। प्राची बेटा इधर आ, जल्दी ये देख सिलाई मशीन तो जादुई मशीन बन गई। ये देख, मैं अभी सूट का कपड़ा काट कर इस मशीन पर रखूंगी। हाँ माँ, ये मशीन तो अपने आप चल रही है और कितना सुंदर इस मशीन ने सूट सिलकर तैयार कर दिया। प्राची बेटा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस चिड़िया को तुम घर लाई थी वो कोई मामूली चिड़िया नहीं बल्कि एक दैवीय शक्ति थी जो हम गरीबों की मदद के लिए आई थी। भगवान आपका लाख लाख शुक्र है, आपने मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी। माँ, तो क्या अब आप मुझे नई किताब खरीद कर दे दोगे? हाँ मेरी बच्ची, अब तो मैं तेरे लिए नई किताब, नए कपड़े, नए खिलौने, नए जूते, सब कुछ नया खरीद लूंगी। मेरी बच्ची बहुत सुंदर गुड़िया रानी बनेगी। पूनम कपड़े काट कर सिलाई मशीन पर रखती और मिनटों में कपड़े सिलकर तैयार हो जाते। धीरे धीरे पूनम की सिलाई की खबर आसपास के गांव में भी प्रसिद्ध हो गई। अब उसके जीवन की सारी परेशानियां भी दूर हो गई। महेंद्र ने भी बुरी संगत का साथ छोड़ दिया था। पूनम ने गांव में एक बड़ी दुकान खोल ली। प्राची अपने माता पिता को एक साथ काम करते देख बहुत खुश थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।